तख्त-ए-लाहौर और अपोजिशन की सियासत का मरकज तेज रफ्तार आनिया जानिया नशिस्त बर्खास्त और मशवरे जारी। अपोजिशन जमातों की बाहमी मुशावरत के बाद मौलाना फजलुर रहमान चौधरी बिरादरान से मुलाकात के लिए पहुंच गए। अदम एतमाद और इसकी कामयाबी की सूरत में मुमकिन ऑप्शंस पर भी बातचीत। इससे पहले शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात हुई और आज ही एक और अहम मुलाकात होगी। आसिफ अली जरदारी और चौधरी परवेज इलाही के दरमियान रात में ये मुलाकात होगी। चौधरी परवेज इलाही बिलावल हाउस जाएंगे। 11 अरकीन असेंबली ने चौधरी बरादरान को सियासी फैसले में तावुन की यकीन दहानी करा दी है। मजीद इस बारे में बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अदनान मलिक हमारे साथ मौजूद है। अदनान, इससे पहले होने वाली मुलाकातों में और आज की अब ये जो अहम बैठक होने जा रही है, इसमें क्या मामला तय पाने का इम्कान है? जी, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक के सिलसिले में जहां अपोजिशन जमातें बहुत ज़्यादा सरगर्म हैं और आपस में मुलाकातों और मुशावरतों का सिलसिला जारी है, इसी तरह वो उन्होंने एक पंजाब में और वफाक में एक बड़े इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ और चौधरी बरादरान को भी एतमाद में लेने की कोशिशें जारी किए हुए हैं। आज यहाँ मौलाना फजलुर्रहमान मुलाकात के लिए आए हैं चौधरी बरादरान के घर। उनसे मुशावरत की गई है और उन्हें यकीन दहानी कराई गई है कि आपके 5 MNA के अलावा जो है अपोजिशन के हकूमत के तकरीबन 11 MNAs जो हैं वो उनके साथ ऑन बोर्ड हैं और उनमें से 3 की चौधरी शुजात हुसैन से बात भी कराई गई है और उनके नाम भी पेश किए गए। ताहम अभी उनके नाम हकूमती MNAs के जो अपोजिशन का साथ दे रहे हैं वो सामने नहीं आए। इसके बाद ये फाइनल मुशावरत जो होगी वो चौधरी बरादरान की जानिब से आज जो बिलावल हाउस जाया जाएगा और वहाँ आसफ अली जरदारी ने उनके एजाज़ में जो इशाइया दिया हुआ है उसमें हतमी मामला तय किए जाएंगे। अभी जो है वो जो मौलाना फजलुर्रहमान आए थे चौधरी बरादरान के साथ, उनके साथ मुलाकातों का दूसरा दौर जो अभी जारी है जिसमें सिर्फ दूसरा दौर अभी जारी है। इससे मुतालिक आपसे मुसलसल अपडेट्स लेते रहेंगे। अदनान मलिक, शुक्रिया आपका।